हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से बोलता हूँ, सबसे अच्छा मोटिवेशन अगर आपको चाहिए तो आप सपने देखना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सपने देखते हैं ना तो आपको सपने साकार करने के लिए एफर्ट्स लेने पड़ते हैं। तो भाई, हम एफर्ट्स कैसे लें? हमको क्या मोटिवेट करेगा एफर्ट्स लेने के लिए? तो आंसर है, आपको मोटिवेट करेगा आपका सपना, आपका ड्रीम। तो बच्चों, मैं हमेशा मतलब मैं कभी आपको अपना मैंने आपको अपना स्टडी टेबल दिखाया ही है, बट मैं कभी आपके साथ अपनी ड्रीम लिस्ट भी शेयर करूंगा। बच्चों, जब मैं CS करता था तो मेरा सबसे पहला सपना ये था कि यार, काश मतलब मेरे पास कभी जिंदगी में येलो कलर की करिश्मा आए। बच्चों, मतलब जब मैं स्टूडेंट था तो आप सबको पता है हीरो होंडा करिश्मा का क्या क्रेज हुआ करता था उस जमाने में। हीरो होंडा करिश्मा मतलब आज के टाइम का हायाबूसा, इतना भयंकर क्रेज था, क्योंकि फॉरेन की बाइक्स इंडिया में उतनी थी नहीं, और हीरो होंडा करिश्मा ही थी जो मतलब हर एक यंगस्टर की पहचान थी। तो भाई साहब, अब मेरे मन में सपना तो था, तो मैंने क्या किया, मेरा CS फाइनल का रिजल्ट आ गया। 25 फरवरी को मैं CS बन गया, या CS फाइनल क्वालिफाइड हो गया। उसके बाद मैं मुंबई चला गया, मुंबई में आर्टिकलशिप लग गई रिलायंस इंडस्ट्री में। 15,000 रुपये मेरा स्टाइपेंड था, आज 25,000 रुपये का स्टाइपेंड है, उस समय 15,000 रुपये का स्टाइपेंड हुआ करता था। ठीक है, तो बच्चों, मैंने पहले तो 12 महीने की अपनी आर्टिकलशिप खत्म की। ठीक है, तो आर्टिकलशिप खत्म करके मैंने कुछ 1,80,000 कमाए, और 20-25 हज़ार रुपये मुझे थोड़े बहुत और मिले कंपनी से, तो 2 लाख रुपए के आसपास मैंने कमाया। 2 लाख में से लगभग मेरा 1.5 लाख या 1.25 लाख रुपए मेरा खर्च हो गया। 25,000 रुपए मैंने सेव किए, खर्च हो गया मतलब मैंने घर पे भी पैसे भेजे, अपने मम्मी पापा के भी थोड़े सपने थे वो भी पूरे किए, पापा के तो नहीं बट मम्मी के किए। ठीक है, मम्मी को कुछ ज्वेलरी दिलाई थी। तो बच्चों, अब ऐसा हो गया कि कुछ पैसा मैंने बचा के रखा। ठीक है, अब 25,000 रुपये बचा के रखा, फिर मेरी जॉब लग गई NSDL में। तो NSDL में मुझे कुछ 32 मतलब कुल मिला के सब कुछ टोटल कर दूँ ना, 32-37 हज़ार रुपये बचते थे सोडेक्सो कूपन मिला के। तो बच्चों, उसके बाद मैंने उसमें से कुछ पैसे जमा किए, और बच्चों बिलीव कीजिए बच्चों, लाइफ का मतलब मुझे उस दिन मैंने CS कोर्स को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोला। बच्चों, हाथ जोड़ के धन्यवाद बोला जब मुंबई में बच्चों मैंने अपनी पहली हीरो होंडा करिश्मा येलो कलर की खरीदी। बच्चों बच्चों, मैं आपको वो मोमेंट नहीं बता सकता बच्चों, कितना प्यारा टाइम था। दैट मोमेंट वॉज मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार सच में मैंने जिंदगी में कुछ, एक तो अपनी मम्मी के लिए ज्वेलरी खरीदी तब खुशी हुई थी, बट पता नहीं बच्चों जब मैंने हीरो होंडा करिश्मा देखी ना तो मुझे लगा कि इस कोर्स मतलब CS बनने के बाद यार मैं जो चाहे वो खरीद सकता हूँ बच्चों। सो इट ऑल स्टार्टेड विथ येलो करिश्मा, एंड देन येलो करिश्मा से आप सबको मेरी जर्नी पता है कि कैसे मैंने मतलब अपने जो भी सपने थे बच्चों धीरे धीरे पूरे किए, और सपने अभी भी बहुत बड़े हैं, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सपने देखना चाहिए। सो बच्चों, दैट येलो करिश्मा बच्चों आज भी वो मेरे पास है, हालांकि अब उसके अस्थि पंजर सब अलग हो गए, बट स्टिल एज अ मेमोरी मैंने उसको रखा हुआ है कि जो भी मेरा स्टूडेंट आइकन में आता है मैं उसको दिखाता हूँ कि देखो, दिस वॉज द फर्स्ट बाइक जो मैंने CS करके जो मैंने पैसे कमाए थे मैंने उससे खरीदी थी। तो बच्चों हमेशा याद रखिए बच्चों, सपना था मेरा। उसके बाद मेरा सपना था SX4, जब करिश्मा आ गई देन आई सॉ कि यार कभी मेरे पास मतलब ये तो मैं जब CS कर रहा था तो कार में मेरा सपना था कि SX4, मारुति का SX4 मेरे पास कभी आए। सो जब मैंने पैसे कमाने शुरू किए मतलब, तो फिर SX4 का ज़माना तो चला गया था, तो फिर मैंने होंडा सिटी खरीदी। सो बच्चों प्लीज़, मैं आपको कुछ ये नहीं फ्लॉन्ट नहीं कर रहा हूँ कि मैंने ये खरीदा मैंने वो खरीदा। बच्चों मेरे से भी ज़्यादा सक्सेसफुल ऐसे कई कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो जॉब में और मेरी एज के हैं, ठीक है, वो लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो। बट मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ बच्चों, सपने देखना बंद मत कीजिए बच्चों, बिकॉज कहीं ना कहीं जब मैं पढ़ने जाता था लाइब्रेरी में, और बच्चों मैं कसम बता रहा हूँ पढ़ने की इच्छा नहीं होती बच्चों, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं भी बहुत, मेरे कई दो लड़के जो स्टूडेंट है वो समझेंगे चंचल मन से मैं क्या इशारा कर रहा हूँ। तो मन बहुत चंचल है बच्चों, पढ़ाई में मन लगाना मतलब मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो बच्चों जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ता था बच्चों, उस लाइब्रेरी मतलब मेरी नोटबुक के फर्स्ट पेज में मैंने करिश्मा का फोटो बना के रखा था, मारुति SX4 का फोटो बना के रखा था, अपनी अपने मम्मी पापा के लिए ड्रीम घर सब पेन से बना के रखा था बच्चों, कि यार मैं जब CS बनूंगा ना तो ये सारी चीज़ें मैं पूरी करूंगा। एंड बच्चों बिलीव मी, हर एक ड्रीम पूरा हो गया। हालांकि ये इंसान की फितरत होती है कि इंसान को जो मिलता है वो उससे कभी सेटिस्फाई नहीं होता। तो बच्चों अभी मेरी ड्रीम लिस्ट में रेंज रोवर विलार है, एक बहुत बड़ा आलीशान घर है, एक बहुत बड़ा फार्म हाउस है। तो बच्चों ये सारी चीज़ें हैं, बट बच्चों ये सारी चीज़ों के लिए मैं कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मतलब अपने चैन और सुकून से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ, बट ये दीज आर द ड्रीम लिस्ट, मैं सोचता हूँ कि ये मेरे पास आएगी और ये मेरे पास आएगी मुझे पता है। सो बच्चों मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनम्र विनती करता हूँ, नेवर 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 स्टॉप ड्रीमिंग बच्चों, ड्रीम्स बच्चों हमेशा याद रखना। धर्मेंद्र ने कहा है, धर्मेंद्र जो कि एक ऑर्डिनरी
इंसान था, धर्मेंद्र, जो धर्मेंद्र जो स्टार हैं, बच्चे ऑर्डनरी इंसान थे, मुंबई आए, उन्होंने बस एक ही चीज़ अपनी लाइफ में, उनका एक सबसे अच्छी पंचलाइन ये है, सपने सच होते हैं बच्चों, सपने सच होते हैं, सपने देखना चाहिए। जिस दिन आपने सपने देखना छोड़ दी ना बच्चों, आप उस दिन मर गए समझ लीजिए, आपका सिर्फ शरीर जिंदा है। सो ऑलवेज कीप ड्रीमिंग, कीप ड्रीमिंग, कीप ड्रीमिंग, कीप ड्रीमिंग, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट ड्रीमिंग यू स्टार्ट बिलीविंग, व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग यू स्टार्ट अचीविंग, व्हेन यू स्टार्ट अचीविंग ड्रीम्स गेट फुलफिल्ड एंड न्यू ड्रीम्स कम इनटू योर लाइफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय करिश्मा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।